Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Zainab Dish A Day. आज डिनर के अंदर मैं जो रेसिपी बनाने जा रही हूँ वो है चिकन रोस्ट विद सम वेजिटेबल्स. वेजिटेबल्स जो मैं इस्तेमाल करती हूँ तकरीबन सब लोग वही करते हैं, लेकिन अगर कुछ आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेबल्स आप यूज़ करना चाहें तो आप कर सकते हैं. आज मैं इनको ये एक अरबिक डिश है और इसी तरीके से ये वेजिटेबल्स के साथ इसको कुक किया जाता है. लेटर ऑन मैं बाद में जब ये 60-70-80% मेरा चिकन तैयार हो जाएगा तो मैं इसके साथ ही अपने वेजिटेबल्स को भी डाल दूंगी, फिर वो भी रेडी हो जाएंगे. तो इसलिए मैं सबसे पहले स्टार्ट लूंगी चिकन के साथ. तो मैं चिकन को इस ट्रे में लगा के ऑयल करके मैं इसको 200 डिग्री के ऊपर रोस्ट होने के लिए अपने ओवन में डाल दूंगी. हाँ जी, ये मेरे पास 1, 2, 3, 3 and half चिकन है मेरे पास, जिसके मैंने हाफ हाफ स्लाइसेस किए हुए हैं. इनको मैंने जिंजर गार्लिक और सिंपल पेपरिका, सॉल्ट, रेड चिल्ली पाउडर, क्यूमन पाउडर जो आम मसाले घरों में होते हैं बस वही मैंने लाइमन के साथ इसको लगा के ऑयल नहीं डाला था, क्योंकि जब मैं इसे बेक होने के लिए रखूँगी तो ऑयल उस वक्त मैं इसको लगाऊंगी. ये मेरे पास हाफ कप ऑयल पड़ा हुआ है. आप चाहें तो इसको ऑलिव ऑयल लगाएं, आप चाहें तो वेजिटेबल ऑयल लगाएं, आपकी अपनी मर्ज़ी है. लेकिन मेरे पास इस वक्त सिंपल ऑयल है, वेजिटेबल ऑयल है मेरे पास. वो मैंने इसको मैंने जिंजर गार्लिक जो है वो पेस्ट इस्तेमाल करना मुझे अच्छा नहीं लगता, पाउडर इस्तेमाल करना अच्छा नहीं लगता. मैं हमेशा अपने जब भी किसी किस्म का कोई रोस्ट बनाती हूँ तो उसके लिए मैं खुद से घर में फ्रेश जिंजर गार्लिक पेस्ट जो है वो तैयार करती हूँ और वो मैं इसके ऊपर इस्तेमाल करती हूँ. सिंपल मैंने आपको बताया, सिर्फ साल्ट है, जिंजर गार्लिक पेस्ट है, क्यूमन पाउडर है, पेपरिका पाउडर है, रेड चिली पाउडर है और साल्ट है. साल्ट चाहे आप कोशर साल्ट इस्तेमाल करें, चाहे आप टी टेबल जो टेबल साल्ट होता है वो आप इस्तेमाल करें, आपकी विल के ऊपर है. तो बस इसके बहुत इसके साथ साथ मैं इसके ऊपर ये थोड़ा सा ड्रिजल कर दूंगी थोड़ा ऑयल, ताकि इसको कुक होने में प्रॉब्लम नहीं हो. और जब ये थोड़ा 80% कुक हो जाएगा तो फिर इसके साथ ही मैं इसको शिफ्ट करूँगी अपने उस वाले पैन के अंदर, कैसरोल में शिफ्ट कर दूंगी जिसमें मेरे पास सब्जियां होंगी. फिर बाकी के 20% जो होंगे वो मैं ओवन में सब्जियों के साथ इसको 20% और कुक करूंगी, ताकि 100% विद सब्जियां डन हो जाए. हाँ जी, ये देखिए मेरे पास जो सब्जियां जिनको मैंने चिकन के साथ सर्व करना है उनमें ये मेरे पास गोभी है, ये मेरे पास फ्रेश टमाटो है, ग्रीन मिर्चें हैं, आलू हैं मेरे पास, शिमला मिर्च है मेरे पास और गाजर है मेरे पास. ये सब चीज़ें मैं जब थोड़ा सा चिकन मेरा रेडी हो जाएगा तो मैं इनको साथ ही रख दूंगी चूल्हे में, ताकि ये भी कुक हो जाएं और फिर बाद में दोनों चीज़ों को एक साथ मैं इकट्ठा सर्व करूंगी. ये देखिए शिमला मिर्च भी है नीचे, गाजर, आलू, सारी मिक्स सब्जियां जो जो मेरे पास अवेलेबल थी वो सारी मैं इस्तेमाल कर रही हूँ. इसके साथ ही मैं चिकन को भी बस चिकन के थोड़ा रोस्ट हो जाने का, कुक हो जाने का मैं वेट करूंगी, फिर उसके बाद इन सब चीज़ों को मैं इकट्ठा सर्व करूंगी. मैं आपको ये बताना भूल गई थी कि मैंने इसमें क्या क्या मसाले डाले हैं. मैंने इसके अंदर कोशर साल्ट डाला है, चिली फ्लेक्स डाले हैं, ये आपको नज़र आ रहे होंगे. इसके अलावा मैंने इसके अंदर ओरिगैनो डाला है और मैंने साथ ही इसके ना लाल मिर्चें भी थोड़ी सी डाली हैं और थोड़े से क्यूमन सीड्स का जो पाउडर होता है, क्यूमन पाउडर मैंने वो डाला है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि अरबिक डिशों के अंदर ये आप ज़्यादा वो नहीं मिर्च मसाले नहीं डाल सकते, तो इस लिहाज से मैंने इनको बस नॉर्मल सा इस तरीके से मैंने कर लिया. जब ये थोड़ा सा कुक हो जाएंगी तो ये थोड़ा बैठ जाएंगी सब्जियाँ, तो फिर मैं एक बार इनको एक रफली मिक्स दे दूँगी और फिर चिकन के साथ मैं इनको सर्व करूँगी इंशाल्लाह ताला. हाँ जी, ये मैंने 200 सेंटीग्रेड पर रखा है, अगर आपके पास इलेक्ट्रिक ओवन हो तो 450 पर आप रखें दोनों को. इसको चिकन को मैंने 30 मिनट्स के बाद निकाल लिया था, इतना ही टाइम इनको भी लगेगा. बाकी वेजिटेबल्स तो तकरीबन ऑलमोस्ट हो चुकी हैं. 25 सब्जियों के लिए 25-30 मिनट इनफ होते हैं, मगर क्योंकि ये जो कैरेट होती है इसके लिए ज़रा थोड़ा ज़्यादा टाइम चाहिए होता है. तो आप इसको 450 या 200 सेंटीग्रेड के ऊपर रख के ओवन को गर्म करके पहले से फिर इसको ओवन में डाल दीजिए आप. ये देखिए माशाल्लाह से कितनी प्यारी सारी सब्जियां जो है ऑलरेडी कुक्ड हो गई हैं ओवन के अंदर. ये चिकन भी बिल्कुल रेडी हो गया है,
ये विद स्किन चिकन है मेरा, मैंने इसको ओवरनाइट मसाला लगा के जो मैंने आपको बताया था, लेमन गार्लिक जिंजर सॉल्ट था और स्मोक्ड पेपरिका था, रेड चिल्ली पाउडर था मेरे पास, क्यूमन सीड्स थे मेरे पास उसका पाउडर, वो सब चीज़ें मैंने लगा के लेमन के साथ इसको फ्रिज में रख दिया था ओवरनाइट, फिर सुबह मैंने अब इसको बेक कर लिया। इसी तरह ये मेरे पास कैरेट है, टमाटर है, ये गोभी है मेरे पास, ग्रीन मिर्चे हैं, आलू हैं और कुछ दूसरी सब्जियां हैं, इनको भी मैंने ओवन के अंदर कुक कर लिया। तो अब ये दोनों मैं इकट्ठा इनको सर्व करूंगी। आई होप कि आपको आज की रेसिपी बहुत पसंद आएगी। प्लीज़ इसको ट्राई कीजिए और इसका फीडबैक मुझे दीजिएगा। मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दिया करें, और मुझे आपके फीडबैक का बहुत इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफिज़।